इस वक्त गुजरात चुनाव में कोई सुर्खियों में है तो वो है हार्दिक पटेल, वो भी काम से ज़्यादा कथित कारनामों को लेकर। पहली सीडी का विवाद खत्म हुआ भी नहीं था कि हार्दिक पटेल की एक और कथित सीडी सामने आ गई और गुजरात की सियासत में सीडी संग्राम ने नया रूप ले लिया। आखिर क्या है गुजरात सीडी कांड, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात की सियासत में नया मोड़, गुजरात में एक और हार्दिक सीडी। गुजरात चुनाव में आए दिन नई नई सियासी तस्वीरें नजर आ रही हैं और अब दो दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही वो तो स्क्रीन पर दिखाने योग्य भी नहीं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की कथित दूसरी सीडी सामने आई, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वीडियो में हार्दिक और उनके दो साथी एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। इससे पहले सोमवार को पाटीदार नेता की कथित सीडी सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि हार्दिक इसमें एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने इस वीडियो को नकली बताया और इसे बीजेपी की गंदी राजनीति बताया। हालांकि सीडी कांड को बीजेपी और कांग्रेस के सियासी नफे नुकसान के हिसाब से देखा जा रहा है। वगैरह जगह उन्होंने इसको वायरल किया है, लेकिन जहां तक मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों का प्योरली मास्टर प्लान अब गंदी राजनीति, बेड राजनीति की ओर चलता जा रहा है। जिस तरह से संजय जोशी की सेक्स सीडी बनाना, और आप भी समझ सकते हैं जिस टाइम संजय जोशी एक बड़े कदावर नेता बन रहे थे तभी उनकी ये सीडी बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया था, तो 2017 में भी कुछ अच्छा माहौल हो रहा है। हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे तो बीजेपी इस हथियार के सहारे हार्दिक की धार खुद करने की कोशिश में। देखिए, हर व्यक्ति अपने कृत्य के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता से तो चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते थे होटल में जाकर, लेकिन अब ये उनकी चोरी चोरी चुपके चुपके वाली सीडी भी आई है। गुजरात के लोग जवाब चाहते हैं। हार्दिक पटेल की कथित सीडी इस वक्त सुर्खियों में है। बीजेपी से भुनाने में जुटी है तो हार्दिक पटेल खुद को और मजबूत दिखाने में लगे। अब ये सीडी गुजरात चुनाव में कितना असर डालेगी ये तो बाद में साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 10।